और यदि पुलिस की गाड़ी आपको फॉलो कर रही है, आपने कुछ रूल ब्रेक किया है कुछ। हेलो हेलो, हाँ मनीष सर, 5 मिनट में आ रहा हूँ आपके घर घर पे ही है ना? हाँ ठीक है, आप पहुँच रहा हूँ। चलो, सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज बहुत ठंडी है, टेम्परेचर है अराउंड -11, लेकिन फील्स लाइक है -19। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने एक फ्रेंड के पास में मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सैम्स एक स्टोर है जो कि यू कैन से कि वो एक जैसे ये रहता है ना, थोक की दुकान रहती है तो ऐसा है, तो उसमें सब कुछ ऐसा बड़ा बड़ा मिलता है सब। तो वहाँ से अपने को कुछ सामान लेना था, तो उसके लिए मेंबरशिप कार्ड लगता है जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास में है, तो मैं उससे जाके अभी वो लूँगा कार्ड। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा आज कि यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं जो अपने को फॉलो करने ही पड़ते हैं। लेकिन जैसे कि मैं यदि मैं घर में बैठ के आना था तो ऑब्वियसली आप लोग बोर होते, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गाड़ी लेके निकलता हूँ और आप लोगों को रूल एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मैं कार्ड लेता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे रोड पे और फिर एक 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 रूल करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन से रूल है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। हल्का हल्का सुनो भी हो रहा है, आपको शायद दिख भी रहा होगा, है ना? तो थोड़ा थोड़ा सुनो हो रहा है, शायद ये बढ़ जाएगा, आई डोंट नो कि बढ़ेगा या नहीं। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो चलो पहले कार्ड लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ। सो गाइस, कार्ड ले लिया है मैंने सैम्स का, तो अभी मैं जा रहा हूँ सैम्स में और मैं आप लोगों को बताता हूँ सारे ट्रैफिक रूल जो आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, जो ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई एजेंट या वैसा कुछ सिस्टम नहीं रहता है, आपको रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। और उसके बाद में रिटन मतलब कि आप पेपर पे भी दे सकते हो, कंप्यूटर पे भी, और उसके बाद में फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। यदि आप दोनों क्लियर करते हो तो ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इंडिया की तरह यहाँ पे एजेंट या वैसे नहीं है कि घर पे बैठे बैठे मतलब ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसमें सबसे बेसिक है कि आपको लेन फॉलो करना है, और बाकी के मैं आपको रूल समझाता हूँ अभी चलते चलते। तो चलो अभी निकलते हैं घर से बाहर और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, है ना, कि कैसे क्या क्या रूल हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये जो दिख रहा है ना, ये सिंगल लेन है ना, लेकिन बीच में जो येलो लेन है ना उसमें वो ऐसा सॉलिड लेन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप रोड को क्रॉस करके दूसरी साइड जा सकते हो, यदि आपको सॉलिड लाइन दिखेगी तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, जैसा आपको अभी मैं आगे दिखाता हूँ। और दूसरा, जैसा रेड लाइट आप लोगों को पता ही है, सामने आपको रेड लाइट दिख रही होगी तो रेड लाइट पे तो ओब्वियसली रुकना ही है। आपको राइट टर्न होना है तो आप राइट लेन में रहोगे, लेफ्ट टर्न होना है तो लेफ्ट लेन में रहोगे, है ना। यहाँ पे क्या है कि इंडिया में कैसा है कि रेड लाइट हो भी लेकिन यदि ट्रैफिक नहीं है तो लोग वहाँ निकल जाते हैं चुप से, है ना, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं निकलता, सब लोग प्रॉपरली रूल फॉलो करते हैं। चाहे कितना भी कोई भी नहीं हो, चाहे मैं अकेला भी हूँ ना, तो भी मैं यहाँ पे रुकूंगा ही, रेड लाइट ऐसा है ना। तो और दूसरा क्या, आपको सामने देखो गाड़ी दिख रही है, अब वो भी खड़ा है इधर आने के लिए, मेरे को टर्न होना है लेफ्ट में, तो अभी क्या है मैं उसके आने का वेट करूंगा क्योंकि उसको सीधा आना है, उसके आने के बाद में ही मैं टर्न करूंगा। यदि जब तक मुझे रास्ता नहीं मिलता तब तक वेट करूंगा, नहीं तो मैं फिर खड़ा ही रहूंगा। एक ऐसा यहाँ पे ये है रूल। और दूसरा क्या है, स्पीडिंग का, आप ओवर स्पीडिंग में 1-2 माइल ठीक है, यदि 35 की स्पीड है तो आप 36-37 तक ठीक है, 38 तक भी। यदि आप ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहे हो और पुलिस ने पकड़ लिया तो वो आपको फाइन लगाएगा और आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे पॉइंट भी चढ़ा देगा, है ना। तो आप देखो राइट में आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये 35 का है तो हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते, 35 अपने को फॉलो करनी ही करनी है, रूल बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। और इसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ सामने आगे जाके, थोड़ा आगे 1-2 रेड लाइट क्रॉस करने के बाद में दिखेगा कि एक स्टॉप साइन होता है, जैसे चौराहा होता है ना, तो ऐसे यहाँ पे जो चौराहा उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो इंटरसेक्शन पे एक स्टॉप साइन, स्टॉप लिखा रहता है, एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, तो वो स्टॉप साइन पे अपने को रुकना ही रुकना है, भले ही चाहे कोई भी नहीं है, चाहे सिंगल मेरी खुद की गाड़ी है तो भी मेरे को रुकना है। और यदि सपोज चाहे से चौराहा है, चारों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो जो सबसे पहले उस चौराहे पे पहुँचेगा, है ना, तो सबसे पहले वो क्रॉस करेगा उस चौराहे को, बाकी के 3 साइड के वेट करेंगे। और बाई चांस यदि ऐसा होता है कि 2 साइड से 2 लोग एक साथ आ रहे हैं तो एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं, जैसे भी लाइट देके या फिर हाथ से इशारा करके, कि जिसको भी सपोज मैं और दूसरा आया तो मैं उसको इशारा करके बोलूँगा कि पहले तुम निकल जाओ फिर उसके बाद मैं निकलता हूँ, है ना। तो एक ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे जितने भी चौराहे हैं सबको, सब पे आपको रुकना ही रुकना है। और दूसरा क्या है ना, यदि सपोज मेरे को सीधा जाना है और मैं गलत लेन में घुस जाता हूँ,
है ना, सपोज ये राइट जाने वाली लेन में मैं घुस गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे पूरा ट्रैफिक रोकने के बाद मैं लेन में घुस नहीं सकता, है ना। तो मैं यदि मैं गलत लेन में घुसा हूँ तो मैं गलत लेन में ही जाऊँगा, और आगे जाके कहीं किसी पार्किंग या कहीं पे भी मैं गाड़ी लगा के वहाँ से टर्न लेके आऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैफिक को रोक सकता हूँ। ओके, और दूसरा क्या है कि यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे, तो एक्सीडेंट होने के बाद आप इंडिया में कैसा है कि यहाँ पे रोक लेते हैं लोग इंडिया में कि मेरा ये डैमेज हुआ इसके पैसे दे के जा, मेरा ये टूट गया, ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं रोड पे। पुलिस तो पता नहीं कब की कब आती है और आती भी नहीं है बहुत बार। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि मेरी गाड़ी किसी ने ठोक दी या मैंने किसी की ठोक दी, तो कोई किसी को कुछ भी नहीं बोलेगा, सिंपल पुलिस को कॉल करेंगे, पुलिस को कॉप बोलते हैं यहाँ पे, तो कॉप को कॉल करेंगे, कॉप आएगी, वो दोनों का साइड सुनेगी, एक एक को इंडिविजुअल से अलग अलग बात करके, और कि कौन उसका जिम्मेदार है उसको उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे वो पॉइंट डाल देते हैं। तो वो एक जो पॉइंट रहता है ना उसकी एक लिमिट रहती है, यदि वो एक लिमिट क्रॉस हो गई तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। तो उसके कुछ ऐसे रूल हैं, इसलिए यहाँ पे दूसरा क्या है कि यदि आपकी गाड़ी ठुक गई तो ऐसा कोई पुलिस ऐसा नहीं है कि तू इसको इतना पैसा दे, इस तरह से सुलह नहीं होती। आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है ना वो आपको कवर करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या कवरेज लिया हुआ है क्या नहीं लिया हुआ है ना, इसलिए गाड़ी का इंश्योरेंस यहाँ पे कार का इंश्योरेंस बहुत महंगा है। और हाँ, अभी मैं आप लोगों को यदि नेक्स्ट रूल बताऊँगा, तो जैसा इंडिया में आप लोग या मैं भी इंडिया में रहता हूँ, तो सपोज मेरे पापा के नाम पे गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी, तो हम एक दूसरे की किसी की भी चला लेते हैं, सिर्फ उस बाइक के पेपर्स होने चाहिए, उस बाइक का इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा है कि जो गाड़ी चला रहा है ना उस गाड़ी के इंश्योरेंस में उस बंदे का नाम ऐड होना चाहिए एज अ ड्राइवर। तो यदि मेरी फैमिली में सपोज तीन लोग हैं, सपोज मेरी वाइफ है उसको कार चलानी है, तो मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। यदि वो इंश्योरेंस में ऐड नहीं है एज अ ड्राइवर तो वो गाड़ी चला नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ पे ये भी एक ऐसा रूल है, तो आप किसी की भी गाड़ी यहाँ पे चला नहीं सकते हो। तो अभी और दूसरा क्या है कि यदि आप ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पे ये साइन लगे हुए हैं कि लेफ्ट को कौन सी लेन जाएगी राइट को कौन सी जाएगी, तो आपको प्रॉपर लेन फॉलो करनी है, जिस साइड भी आपको टर्न होना है। यदि आप गलत लेन में हो तो आपको गलत साइड ही जाना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप उसको छोड़ के और पूरा ट्रैफिक रोक के कहीं भी घुस जाओगे, है ना। तो आपको जिस लेन में जाना है उसी लेन में जाओगे, तो इसलिए हर जगह पे वो साइन लगे हुए रहते हैं। और एक दूसरा रूल क्या है कि जैसे स्कूल जोन होते हैं ना, सपोज मैं इस रोड पे जा रहा हूँ, इस रोड पे कहीं पे स्कूल है, तो वो स्कूल के आसपास का एक जो एरिया है उसको स्कूल जोन में यहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं कि स्कूल जोन है। तो जो स्कूल का टाइमिंग रहता है ना मॉर्निंग का या फिर दोपहर का, ओपन और क्लोजिंग टाइमिंग, तो उसकी स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड से 5 या 10 माइल की कम रहती है। सपोज जैसे 35 का रोड है, तो यहाँ पे सपोज स्कूल होगा तो ये 20 या 25 का उस टाइम पे रहेगा स्कूल टाइम पे। और जब आप टेस्ट देते हो ना तो वो ये सब चीज़ें टेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर स्पीड, लेन चेंज, रेड लाइट, स्टॉप साइन, एवरीथिंग यू आर फॉलोइंग, है ना। तो हम स्कूल जोन में वो अपने को फॉलो करनी पड़ती है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि बहुत जगह पे ये रहता है पेडेस्ट्रियन का, हाँ, तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा था ना, तो इंटरसेक्शन पे यदि रोड के बाजू में कोई पेडेस्ट्रियन खड़ा है ना, तो सबसे पहले वो निकलेगा सारी गाड़ियों से, तो सबसे पहले वो रोड क्रॉस करेगा, बाकी सारा ट्रैफिक रुका रहेगा। और इसके बाद जो दूसरा है रूल एक और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कोई भी कार आती है, सपोज चाहे वो तुम्हारी फायर ब्रिगेड की कार हो, चाहे आपकी एम्बुलेंस हो, जो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो गाड़ी जा रही रहती है, तो सपोज दो साइड से रोड जा रही है ना, टू वे है, तो उसमें यदि वो कहीं से उसका, क्योंकि लाइट ऑन करके रखते हैं उस टाइम पे, तो कि दोनों साइड के ट्रैफिक जो है, दोनों साइड का ट्रैफिक उस टाइम पे रुकेगा, चाहे वो दूसरी साइड भी जा रही हो, तो सारी गाड़ियां सब स्टॉप हो जाएंगी। सबसे पहले एम्बुलेंस को या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी जाने के लिए, तो सारा पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, सबसे पहले वो निकलेंगे और फिर उसके बाद बाकी की गाड़ियां चलेंगी। और यदि पुलिस की गाड़ी आपको फॉलो कर रही है, आपने कुछ रूल ब्रेक किया है, कुछ भी किया है, और आप जा रहे हो, आप देख रहे हो को बहुत देर तक पुलिस की गाड़ी आपको फॉलो कर रही है, और उसकी पुलिस की गाड़ी पे लाइट ऑन है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो आपको फॉलो कर रहा है और आपको गाड़ी साइड में लगा के रखनी है, रोकनी है।
तो आप जब गाड़ी साइड में लगा के रोकोगे ना तो आपको गाड़ी से उतरना नहीं, आप गाड़ी साइड में लगाओ, साइड में लगाने के बाद आपको गाड़ी में बैठे रहना है, और फिर गाड़ी में बैठे बैठे आपको दोनों हाथ आपके स्टेयरिंग के ऊपर होने चाहिए। यदि आपके हाथ स्टेयरिंग के ऊपर नहीं है तो जो पुलिस है ना वो आपके ऊपर गन रख सकती है ना, तो इसलिए दोनों हाथ आपके स्टेयरिंग के ऊपर होने चाहिए। और आप गाड़ी का ना तो कांच नीचे करोगे ना आप गाड़ी से नीचे उतरोगे, पुलिस आएगी वो गाड़ी साइड में अपनी रोकेगी, उसके बाद फिर वो आपका आके जो भी आपको नॉक करेगा या जो आपको बोलेगा कि ये विंडो नीचे करो तब आपको नीचे करना, लेकिन आपके हाथ दोनों उसको दिखने चाहिए पुलिस को, अदरवाइज वो गन निकाल के आपके ऊपर रख सकता है यदि उसको दोनों हाथ नहीं दिखे समथिंग ऐसा कुछ हुआ तो। तो ये कुछ थे रूल जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ये जो मेन मेन है, हो सकता है मैंने कोई मिस भी किया हो क्योंकि मैं जस्ट ऐसे ही निकला हूँ, मैं कुछ नोट डाउन करके नहीं निकला। तो ये कुछ रूल थे जो इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे फॉलो करने ही पड़ते हैं यदि आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो या ट्रैवल या किसी भी पर्पज से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको ये रूल ध्यान रखने चाहिए। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको जानने की जिज्ञासा रहती है, तो आज की वीडियो में सिर्फ आई थिंक इतना ही, ये काफ़ी हो गया है। बाकी मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक का भी बटन है अवेलेबल, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके एंड तभी फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में, एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।